गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रजनी सैनी, आई टीच इन आदर्श पाणी के कंसीनियर सेकेंडरी स्कूल जूजो। आई एम योर रिवर्स सब्जेक्ट टीचर। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 12 की रीडिंग की थी, फेस्टिवल्स आर फन। फेस्टिवल्स मीन्स त्योहार। तो त्योहार जो है वो हमारे लिए किस प्रकार से मजेदार होते हैं, कैसे हम उन पे इंजॉय करते हैं, सभी के साथ मिलकर फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। चाहे घर में छोटा फंक्शन हो या बड़ा फंक्शन हो, हम बहुत खुश होते हैं। हमें खूब सारी मिठाइयाँ मिलती हैं, नए कपड़े मिलते हैं पहनने के लिए, तो हम बहुत ही खुश होते हैं। तो ये फेस्टिवल्स आते हैं जो हम अच्छे से इंजॉय करते हैं। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। इसमें आज हम इस चैप्टर का बुक वर्क और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप पेज नंबर 56 और 57 ओपन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आज हम बुक वर्क स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 56 निकाल लें। टिक द राइट आंसर, हमें इनमें से ऑप्शन में जो राइट है उनको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर ए, दिवाली इज़ ए फेस्टिवल ऑफ। दिवाली जो है वो फेस्टिवल यानी त्यौहार किसका है, लाइट्स का या डार्क का। लाइट्स यानी रोशनी का है या डार्क यानी अंधेरे का है। तो जो दिवाली फेस्टिवल है वो किसका होता है, लाइट्स का होता है यानी चारों तरफ रोशनी होती है। तो नंबर ए ऑप्शन को हम यहाँ टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी, वी ईट सेवैयाँ ऑन। सेवैयाँ जो होती है वो हम कब खाते हैं, कौन से फेस्टिवल पे खाते हैं, ईद या दिवाली पे खाते हैं। तो जो सेवैयाँ होती हैं वो ईद पर बनाई जाती हैं। तो यहाँ हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी, पीपल सेलिब्रेटेड क्रिसमस ऑन। लोग हैं वो क्रिसमस कब सेलिब्रेट करते हैं, तो क्रिसमस कब सेलिब्रेट किया जाता है, 25 दिसंबर को। तो यहाँ हम नंबर ए ऑप्शन को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी, बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी फॉल्स ऑन। महात्मा गांधी का जन्मदिन कब सेलिब्रेट होता है, तो देखिए 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर को क्या सेलिब्रेट होता है, महात्मा गांधी जी का जन्मदिवस मनाया जाता है, जैसे कि हम स्कूल में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो देखिए 26 जनवरी या 15 अगस्त। तो देखिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं और 15 अगस्त को क्या सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ नंबर ए ऑप्शन को हम टिक करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ हमें हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इनकी हेल्प से हम फिलअप कंप्लीट करेंगे। विश, वी विश एवरीवन ऑन ईद। हम सभी ईद पर एक दूसरे को क्या देते हैं, मुबारकबाद देते हैं और बोलते हैं ईद मुबारक। तो हम लोग एक दूसरे के गले लगते हैं ईद पे और क्या बोलते हैं, ईद मुबारक। तो यहाँ ईद मुबारक लिखेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 57 निकालें। क्वेश्चन नंबर बी, वी विश एवरीवन 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को हम क्या एक दूसरे को विश करते हैं, मैरी क्रिसमस, यानी क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं हम कब, 25 दिसंबर को। तो यहाँ मैरी क्रिसमस फिलअप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी देखिए, वी से हम क्या कहते हैं, ऑन द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। जो लाइट्स का फेस्टिवल है यानी रोशनी का जो त्यौहार होता है, हम उस पर एक दूसरे को क्या कहते हैं, हैप्पी दिवाली। जैसे अभी भी कौन सा फेस्टिवल आने वाला है, दिवाली आने वाला है, उस पर हम खूब सारी डेकोरेशन करेंगे, खूब सारी स्वीट्स खाएंगे और न्यू क्लोथ्स पहनेंगे और एक दूसरे को क्या कहेंगे, हैप्पी दिवाली कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम हैप्पी दिवाली लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी देखिए, वी प्ले एंड विश। हम क्या कहते हैं, हैप्पी होली टू एवरीवन ऑन द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। जो कलर्स का फेस्टिवल है वो कौन सा है, होली है। तो होली पर हम क्या खेलते हैं, गुलाल से खेलते हैं और एक दूसरे को क्या विश करते हैं, हैप्पी होली।
तो यहाँ हम हैप्पी होली लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई देखिए, इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 15 अगस्त को, तो यहाँ 15 अगस्त लिखेंगे। और रिपब्लिक डे मैंने कब बताया सेलिब्रेट होता है, 26 जनवरी को। नेक्स्ट देखिए एफ नंबर, गुरु पर्व इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ, गुरु पर्व जो हम सेलिब्रेट करते हैं उस पर किसका बर्थडे बनाते हैं, हम गुरु नानक देव का बर्थडे बनाते हैं। तो जो सिख लोग होते हैं वो कहाँ जाते हैं प्रेयर करने के लिए, गुरुद्वारा में जाते हैं। और उस दिन किसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, गुरु नानक का बर्थडे सेलिब्रेट होता है, तो यहाँ लिखेंगे गुरु नानक देव। इसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, नेम टू फेस्टिवल्स यू सेलिब्रेट विद योर फैमिली, यहाँ हमें टू फेस्टिवल्स के नेम बताने हैं जो हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ दिवाली और होली लिखा है, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी फेस्टिवल्स का नेम लिख सकते हैं। दिवाली एंड होली आर टू फेस्टिवल्स सेलिब्रेट विद माई फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी देखिए, हाउ डज योर स्कूल सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, आपके स्कूल में इंडिपेंडेंस डे है यानी जो स्वतंत्रता दिवस है वो कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इंडिपेंडेंस डे पे क्या करते हैं, नेशनल जो हमारा फ्लैग है उसको फहराते हैं, नेशनल एंथम गाते हैं, परेड होती है, पीटी होती है और कल्चरल प्रोग्राम भी होते हैं, लेकिन यहाँ हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे। ऑन इंडिपेंडेंस डे वी होस्ट द फ्लैग एंड सिंग नेशनल एंथम, क्या करते हैं, फ्लैग को फहराया जाता है और नेशनल एंथम गाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी देखिए, व्हेन इज रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड, रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी, 26 जनवरी को क्या सेलिब्रेट होता है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है। और इंडिपेंडेंस डे कब होता है, 15 अगस्त को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट डू पीपल डू ऑन गुरु पर्व, गुरु पर्व पर लोग क्या करते हैं। तो देखिए पीपल गो टू गुरुद्वारा, गुरु पर्व पर लोग कहाँ जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं। एंड प्रे ऑन गुरु पर्व, और गुरु पर्व में क्या करते हैं, प्रे करते हैं यानी प्रार्थना करते हैं। तो गुरु पर्व जो होता है इनका फेस्टिवल, उसमें वे गुरुद्वारा में जाते हैं सिख लोग और वहाँ पे प्रार्थना करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन आंसर हैं। इसके बाद देखिए आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, देखिए कलेक्ट द पिक्चर ऑफ डिफरेंट फेस्टिवल एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक, आपकी स्क्रैप बुक में आपको डिफरेंट जो फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं उनकी फ़ोटो पेस्ट करनी है। तो स्क्रैप बुक आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कहीं से भी फेस्टिवल्स के डिफरेंट पिक्चर्स ले सकते हैं और यहाँ जो आपको स्पेस दिया गया है यहाँ पे आप फेस्टिवल्स की फ़ोटो पेस्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कि जो हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं उनकी यहाँ पर आप फ़ोटो पेस्ट करेंगे। इसके बाद देखिए एक एक्टिविटी और दी हुई है, मेक ग्रीटिंग कार्ड फॉर एनी फेस्टिवल दैट यू सेलिब्रेट, आप जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं उसके लिए आपको एक ग्रीटिंग कार्ड बनाना है। तो स्टूडेंट्स अभी अपना कौन सा फेस्टिवल्स आ रहा है, दिवाली आ रहा है, लाइट्स का फेस्टिवल है, 14 नवंबर को हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो अभी आप दिवाली पर ही ग्रीटिंग कार्ड बनाएंगे और सभी स्टूडेंट्स उसकी मुझे अपने ग्रुप में फोटो सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी स्टूडेंट्स को जरूर से ग्रीटिंग कार्ड बनाना है बहुत ही सुंदर और अपने मम्मी पापा को गिफ्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक एक्टिविटी, दोनों एक्टिविटी आप करेंगे, यहाँ फोटो पेस्ट करेंगे, ग्रीटिंग कार्ड बनाएंगे। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आपके पेज नंबर 56 पर एक और एक्टिविटी दी हुई है जो हमने नहीं की थी, वो अब हम करेंगे। राइट द नेम्स ऑफ द ओकेजन इन विच द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड, यहाँ हमें कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं, इनमें को हमें पहचानना है कि ये एक्टिविटीज़ कौन से फेस्टिवल पर की जाती है, यानी कौन से ओकेजन पर, कौन से अवसर पर करते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट आपको पिक्चर दी हुई है जिसमें एक लड़की घुटने के बल बैठी है, तो यहाँ क्या सेलिब्रेट कर रही है, ये क्रिसमस चर्च में जो लोग जाते हैं वो ऐसे ही पोजीशन में बैठते हैं, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, क्रिश्चियन लिखेंगे,
यानी सॉरी क्रिसमस लिखेंगे। इसके बाद देखिए बच्चा क्या कर रहा है, पटाखे जला रहा है, इसका मतलब ये कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, और वो कौन है, दिवाली, तो यहाँ दिवाली लिखेंगे। इसके बाद देखिए ये तो सभी बच्चों को पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, तो यहाँ हम बर्थडे लिखेंगे। इसके बाद देखिए ये बच्चा क्या कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, यानी ये क्या बना रहा है, ये ईद बना रहा है, तो यहाँ हम ईद लिखेंगे। ईद के फेस्टिवल्स पर लोग ऐसे ही नमाज अदा करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बुक वर्क और ये एक्टिविटी आप कंप्लीट करेंगे और ज़रूर ज़रूर से सारे बच्चे मुझे ग्रीटिंग कार्ड की फ़ोटो सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।